So proud. Madam Nez, आप जैसे लोग इंडस्ट्री में जॉब लोग हमेशा हमारे बारे में जानते हैं. That's very sweet. और बाकी आज जैसे कि आपको पता है प्रीमियर इस मूवी का ट्रेलर तो काफ़ी बहुत एक्साइटिंग और उसके बाद अभी मूवी देखते हैं कैसी होने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम दानिश अल्फाज है. तो साथ साथ मैं टिकटॉक भी करता हूँ क्योंकि मेरा जो मोस्टली ग्रुप है मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो टिकटॉक है. काफ़ी सोशल स्टार है वो. 10 मिलियन 8 मिलियन 14 मिलियन 20 मिलियन ये सब उनके फैंस हैं. बहुत अच्छा लगता है उनको आगे बढ़ते हुए देख के. हाँ ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा. मैं भी एक यंग एज में हूँ भी बहुत यंग एज में तो छोटी छोटी मिस्टेक सब चीज़ होती है. और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी लाइफ में गलतियाँ ना की. इवन मैंने भी बहुत गलतियाँ की थी. आई डिड मैनी मिस्टेक्स. मैं यहाँ पे आया सफल के गिर के ऐसे कैसे मुझे पता है बहुत लंबा स्ट्रगल है. तो वो लोगों का भी एक स्ट्रगल है वहाँ तक पहुँचने में. उन लोगों की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं बहुत सारी स्वीटनेस है. तो जैसे ऊपर वाला जैसे माँ बाप से माफ़ कर देते हैं अगर आप लोगों से गलती होती है तो आप लोगों को भी वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए माफ़ करना चाहिए. हम मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आई डिड मिस्टेक. तो ये चीज़ मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमको बताओ कि आपने ये गलती की है ना कि हम लोगों को आप पॉइंट कर दो कि नहीं नहीं यू आर रॉन्ग यू आर नॉट रॉन्ग. वही मुझे थोड़ा सा लगता है वही थोड़ा सा मतलब पॉइंट आता है कि आप इवन वो नेक्स्ट डे भी वीडियो डिलीट करके उन्होंने माफ़ी मांग ली. उनको लगा कि शायद उनसे कुछ गलत हुआ है स्टेप गलत दिया गया तो शायद उनसे ऐसा लगा. उन्होंने खुद से वीडियो डिलीट करके माफ़ी मांग ली. उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. वो एक्सेप्टेबल है वो. तो अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम वी आर नॉट ह्यूमन. देखो ये वैसा ही कुछ है कि आपने पूरा स्टडी किया सब कुछ आपने पूरी मेहनत की लाइफ में बुक्स पढ़ी और लास्ट में आपको जॉब नहीं मिली उसके बाद आप कोई मजबूरी कर अभी उन्होंने पूरी स्टडी करके पूरी मेहनत करके एक एम्पायर बना लिया उसके बाद लास्ट में उनको ये सब फेस करने को मिला है. थोड़ा बुरा तो फील होता ही है वो किस कंडीशन में आ जाए आई कैन अंडरस्टैंड. और मैं पर्सनली उनसे बहुत मतलब मैं उनसे बहुत टच हुआ भाई की तरह हम लोग रहते हैं. हम लोग साथ में खाते हैं बैठते हैं वीडियोज़ बनाते हैं मैंने गाने शुरू किए उनके साथ. मुझे पता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं. मैं वो मेरी फैमिली है फ्रेंड इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बट इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ दे आर आर्टिस्ट. आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबसे पहली बात. हम लोग फैंस 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 बोलते हैं दैट्स वेरी बैड. तुम सिर्फ बोलने के लिए फैंस हो वो दिखाओगे ना कि तुम रियल में फैंस हो. फैंस बोलने के बाद जब तुम गलत चीज़ होते हैं वो सीधा बोल देते हैं कि गालियाँ भी इवन मेरे गाने पे मैंने अभी 07 के सपोर्ट वीडियो डालती थी उसके बाद मेरा अभी जी म्यूजिक से गाना रिलीज हुआ था मेरे सपोर्ट उसमें कॉमेंट ये देखना मुझे गालियाँ मिली मतलब ये 07 का सपोर्ट करता है तो ये बहुत गंदी गाली. तुम्हें लोग मुझसे प्यार करता हूँ तो मिलो सब बहुत सारा कॉमेंट करो